प्रदेश के बलिया जनपद की ग्राम सभा शिवपुर दियर नंबरी के ग्राम वासियों ने अपनी ग्राम सभा शिवपुर दियर नंबरी के प्रधान पर घोटालों के आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों से प्रधान के विकास कार्यों की जांच करने की मांग की थी, जिसको देखते हुए अधिकारियों ने वीडियो संतोष यादव के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित कर प्रधान के कार्यकाल का जांच करने के आदेश दिए। आदेश मिलते ही वीडियो संतोष यादव ने अपनी टीम के साथ तत्काल ग्राम सभा शिवपुर दियर नंबरी पहुंचे। प्रधान द्वारा किए गए विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर घंटों जांच बताई। जांच अभी जारी है, जहां भी अनियमितता मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। तो वही जिस प्रधान पर घोटाले के आरोप लगे थे, उसने बताया कि जांच हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जांच होने के बाद। असत्य, मैं प्रधान हूं तो हमारे ऊपर आरोप लगेंगे, क्योंकि प्रधानी चुनाव का समय आ गया है। यही ढक्कन डाले हैं, देख लीजिए। चलिए चलिए घर से वहाँ जी। आज आपके शिकायत करने पर शिकायत आज किया था तो आज जांच आया था, संतोष कुमार यादव आए थे जी। आज उनके द्वारा जांच किया जाए, आपके किया गया आपके ग्राम सभा में जांच किया गया। पहले मेरी आज के कार्यक्रम आज कहाँ आए हुए हैं, क्या मामला है? आए हुए हैं मौके पर। मैं संतोष यादव नोडल अधिकारी विभाग, आज गाँव में शिकायत प्रधान द्वारा 2017 से अब तक कराया गया था, उसका अंदर जांच किया गया है। शिकायत भी दूर थी उसके अनुसार जी। मौके पर आज क्या क्या पाए हैं? इसमें एमपी, चूँकि एमपी नहीं मिल पाई है, मापन कर लिया गया है, एमपी से मिलान के बाद जो है इसमें जो गैप होंगे, जो कमियां हैं उसके अनुसार। कुछ ऐसे बिंदुसार थे जो खड़ंजे के ऊपर नालिया का पैसा उठ चुका है, वो आपने मौके पर देखा है, क्या नालिया बनी थी या क्या? उनके द्वारा कहा जा रहा है पैसा हमने नहीं उठाया है, तो एमबी मिलान के बाद पता चल जाएगा कि उन्होंने लिया पैसा, कब लिया, किस डेट पर लिया या नहीं। आपके अनुसार क्या क्या मतलब कमियाँ मौके पर दिखाई दिया? कमियाँ तो ऐसी जनरली लाइट वगैरह की हमने छुट्टी मांगी थी, उन्होंने नहीं दी है, छुट्टी मिल जाएगी। नाली सड़क संबंध में जैसे ऐसे बहुत से सड़क है नाली है, मापन किया गया है, नाली खड़ंजा और सब देखा गया है, तो मापन एमबी का जो डिफरेंस होगा उसको। मैं मुन्नीलाल यादव खान और हमारी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ जी। जी, आपके यहाँ जांच कमेटी आई थी, क्या मामला था? आज हमारे गांव के कुछ शिकायतकर्ता लोग शिकायत किए थे, काम नहीं हुआ है, दाम उठ गया है, तो अब तो जांच अधिकारी आए हैं। जांच अधिकारी हर मौके पर, हर काम पर जहाँ शिकायत था वहाँ मौके मौके पर जाकर के हर चीज़ का गहन जांच किए, और जांच में जो उनके नज़र में जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, कहाँ सत्य हैं कहाँ सत्य हैं, कहाँ लूट खसूट हुआ है। और चूँकि प्रधानी का चुनाव का ये समय आ गया है, इसलिए
कई तरह के तमाम आरोप, मैं प्रधान हूँ तो कई तरह का आरोप लगेगा जी। उनका मामला कहने का तात्पर्य ये लाखों करोड़ों के घोटाला किए गए नालिया में, सड़कें में, इस तरह तमाम ये सब अफवाह। उनका शिकायत करता तो कुछ भी कहता है, हमें कितना हो काम किए होंगे तभी जांच अधिकारी आए हैं, तो हम कितना भ्रष्टाचार मचाए हैं, अब तो नोडल जांच अधिकारी आए हैं वहीं उसका निर्णय करेंगे। हर जगह हम काम पर जहाँ जहाँ शिकायत थी काम पर गए, ईटा खोल करके चेक किया गया, गिट्टी चेक किया गया, कई तमाम का कहला तरह का जांच हुआ, कई जगह तो कुछ छूटा नहीं। ये नहीं जगह कहला काम नहीं हुआ है और इस तरह का कहला भुगतान हो गया है जी। जांच में कौन कौन लोग आए थे? जांच में नोडल अधिकारी आए थे, कोई किसी विभाग के यही थे, यही थे, ये टीम जो नोडल अधिकारी के साथ टीम बनी है पूरा टीम आई थी। आखिर आपके ऊपर क्यों मतलब जाँच कराया गया, आपके क्या कारण है? अरे भाई जांच तो होना संभव, गांव के लोग सबका लोकतंत्र में सबका क्या कहला छूट है, कोई भी शिकायत गलत का भी सही का भी दोनों का कहला किसी को रोक सकते हैं, किसी को नहीं रोक सकते हैं लोकतंत्र में, तो सबका क्या कहला कुछ भी सही को भी गलत करने के तैयार है, लोग नहीं झूठ बोल सकते हैं, सही काम का भी गलत लोग बताएंगे। इस तरह का दुनिया में लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, ऐसी थोड़ी स्थिति है जो मैंने कोई झूठे नहीं बोलेगा। हम कह रहे हैं कि काम हुआ है अभी कार्योजना में, काम प्रगत पर है, तुमको कह रहे कि सर इसका देखिए भुगतान हो गया है अब काम लग रहा है, तो किसका जवाब दिया जाए? वो तो कागज से पकड़ा जाएगा जो मैंने अभी काम जो प्रगत पर है उसका भुगतान हुआ है, अभी तो कार्योजना में केवल अभी तो इसका एस्टिमेट भी नहीं बना है, और उसके भी कल कई तरह के लोग परेशान कर रहे थे कि क्या कहला जो काम न हो। अरे काम हम जब तक प्रधान है, कार्यकाल है, तब तो कार्योजना का काम कराते रहेंगे वो, और जो शिकायत किया गया था शिकायत में हर जगह का टुकड़ा निकाला गया, ईंट खोदा गया, कुछ छूटा तो नहीं। अब तो जो जांच अधिकारी हैं और उनके ऊपर है, वो दूध का दूध पानी का पानी अलग करेंगे। भुगतान का निकाल के ले लेंगे, भुगतान कागज सभी कागज दिया जाएगा, कागज सब भुगतान करता है, ठीक है सर, मान लें कि वो भी कागज इसमें है कहीं, इसमें से हाँ मिल जाएगा, इसमें उसको चुन करके उठाती है ताकि ग्राम का विकास हो सके, और यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में जहाँ तक धांधली देखने को मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों कारण, क्या कारण है कि इस प्रकार की धांधली? पंचायती राज आयुक्त में प्रधान का रोल बहुत बड़ा है, को सभी क्षेत्र में सभी लोगों के लिए कार्य करने चाहिए, और उसमें कोई क्षेत्र विशेष व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए, हर जगह आपको स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था, ये सब सुचारू रूप से कार्य करना जो है इनका प्रधान का काम होता है, संबंधित सचिव का काम। क्या होता का इस तरह का